घुन खाए शतीरों पर की बारा खड़ी विधाता बाचे, कटी भीत है छत चूते हैं आले पर बिस्तुया नाचे, वर्षा कर छोटे बच्चों पर मिनट मिनट पर पांच तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। नागार्जुन ने ये कविता 60 के दशक में लिखी थी और प्राइमरी विद्यालय के मास्टर यानी टीचर की क्या स्थिति है समाज में वो बताने की कोशिश की थी इस कविता के माध्यम से। इस बात को 6 दशक से ज़्यादा का समय बीत गया है लेकिन अभी भी जो शिक्षा मित्र हैं, जो करीब करीब 1.5 लाख हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश में, वो 10,000 रुपये प्रति माह पर अभी भी वही काम करते हैं जो एक सहायक शिक्षक करता है। यानी 10,000 रुपये महीने पर उनको साल भर पढ़ाना पड़ता है, उसमें भी एक महीने का मानदेय 10,000 रुपये नहीं मिलता है, 11 महीने ही प्रति माह 10,000 का मानदेय उनको मिलता है। इसको लेकर ये जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने DG बेसिक शिक्षा कंचन वर्मा का घेराव किया, सरकार से आश्वासन मिला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम जो शिक्षा मित्र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। 10,000 रुपये प्रति माह और वो भी साल में 11 महीने, कितना कष्ट होता है परिवार चलाने में? कष्ट का तो आलम यह है कि वो उसको बयान नहीं किया जा सकता। इस पूरे ब्रह्मांड में शिक्षा देने का काम, जो शिक्षा देता है, शिक्षा देने वाले का स्थान इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वोपरि है और सारी चीज़ें उसके सामने गौड़ हो जाया करती हैं। लेकिन देश के इस सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में, जहां बुनियादी शिक्षा को लेकर के तमाम बातें की जाती हैं, तमाम चीज़ें प्रकाश में लाई जाती हैं, वहां इस व्यवस्था को उठाने वाले जब 2000 और 2001 में प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की कमी से ज़बरदस्त जूझ रहा था, बच्चे थे अध्यापक नहीं थे, उस समय शिक्षा मित्रों ने इस बेसिक शिक्षा को उठाने का काम किया और लगातार आज 24 साल हो गए। इन 24 सालों में शिक्षा मित्रों का जो योगदान बेसिक शिक्षा में रहा है वह बहुत ही काबिले तारीफ रहा है और ज़बरदस्त रहा है। आज उसी की देन है कि उसकी नींव पर बेसिक शिक्षा की जो इमारत आज दिख रही है, जो विद्यालय आज चमक रहे हैं, कायाकल्प के माध्यम से लोग जो बखान कर रहे हैं, उसकी नींव में से वह शिक्षा मित्र है जो दो कमरे में 400 बच्चों को लेकर के जो है उस व्यवस्था को खड़ा किया। क्या नाम है आपका? मैं अमरेंद्र दुबे हूँ। पंडित जी, ये बताइए आप, ठीक है शिक्षा मित्रों के योगदान को कोई कमतर नहीं आंक रहा है, लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है ना? सरकार तो अडिग है कि 10,000 से ऊपर हम आपको देंगे नहीं। अब लोकतंत्र में यह उम्मीद की जाती है कि जो सरकारें बनेंगी और जो इसके मुखिया होंगे वह निश्चित रूप से सारी चीज़ों को देख करके चलेंगे और सारे लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। ठीक, मैं समझ गया आपकी भावना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद जी, कब से पढ़ा रहे हैं? सर, मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ, मतलब करीब 20 साल हो गए। तो जब 20 साल पहले पढ़ाना शुरू किए थे तब कितना मिलता था और अब कितना मिलता है? सर, जब 20 साल पहले हम बेसिक शिक्षा परिषद में आए थे उस समय हमारा मानदेय था 2250 रुपये और उस समय जो अध्यापक हुआ करता था वो पाता था 4600 रुपये। तो हमारे और उनके में लगभग आधे का अंतर था और हम लोग जब बेसिक शिक्षा परिषद में आए थे तो हम लोगों ने ये समझा था कि जब इस बेसिक शिक्षा परिषद, अब कितना मिलता पहले ये बता दीजिए। इस समय तो हम लोग को 10,000 रुपया मिलता है, वो भी 11 महीने मिलता है। उनको इस समय मिल रहा है, जैसे कि जो उनकी नियुक्ति हो रही है वो लमसम 46,000-47,000 से चालू हो रहा है और जो हमारे यहाँ हेड है वो 1,25,000, 1,15,000, 1,20,000 ऐसे उन लोगों की सैलरी है। मतलब आप 2250 से शुरू किए थे, 10,000 पे पहुँचे हैं, वो 4600 रुपये से शुरू किए थे और वो आज के डेट में 50,000 तक पहुँच गए हैं। तो उनका वेतन करीब करीब 12 गुना बढ़ा और आपका वेतन करीब करीब 4 गुना बढ़ा, यही है ना? यही है। कब से पढ़ा रहे हैं? वही 2003 से ही हम भी हैं पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे हैं हमारे यहाँ? दो लड़कियाँ एक लड़के हैं। कितनी मुश्किल आती है?
हमारे सर तमाम मुश्किलें हैं, पढ़ाई लिखाई दवाई और भोजन सारे चीज़ों को लेकर के काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सब कुछ इसी 10,000 में? 10,000 में और कोई व्यवस्था ही नहीं है जिससे कि हम और कोई व्यवस्था हमारे तो पास आप लोग कम पढ़ाते होंगे शिक्षकों से? नहीं नहीं बिल्कुल पूरे टाइम उनसे ज़्यादा समय देते हैं सर। कोई कहीं भी आप चले जाइए किसी भी विद्यालय पर आप ये पाएंगे कि उस विद्यालय पर शिक्षा मित्र हेडमास्टर से ज़्यादा काम करता है, उस वहाँ नियुक्त टीचर से भी कहीं ज़्यादा। हेडमास्टर का काम हो, विद्यालय में कोई और समस्या है उसको लेकर के, गाँव से कोई समस्या आ रही हो तो सारा चीज प्रथम वरीयता में शिक्षा मित्र देखता है। अगर कोई आ गया गांव का तो तुरंत कहता है कि हेडमास्टर तुरंत कहेंगे देखिए आपके गांव से आए हैं जरा बात कर लीजिए देख लीजिए, मतलब लड़ाई से लेकर या जो विवाद है उसे लेकर के और विद्यालय की सारी समस्याओं से लेकर सारी चीजों को हम झेलते हैं। फ्रंट में आप ही रहते हैं? फ्रंट पर हम ही रहते हैं। आप चाहे अगर आपको विश्वास नहीं होगा किसी भी ब्लॉक में नगर में कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी प्राथमिक विद्यालय में आप चले जाइएगा, वहां देखिएगा शिक्षा मित्र कितने लगन और निष्ठा के साथ काम करता है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार सोनकर। कब से पढ़ा रहे हैं? 2010। 10 नगर क्षेत्र में? नगर क्षेत्र जी। तो कितना मिल रहा है? 10,000 रुपये। तो सरकार बढ़ाएगी? अब सरकार बार बार प्रयास किया जा रहा है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। शिक्षकों की तो सारी बातें मान ली जाती है, उनके तो हाईकोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच जाते हैं, उनकी तो लिस्ट पे लिस्ट जारी हो रही है, तनख्वाह भी 50,000 के आसपास है। आपकी आप 80,000 कितना? 70 से 80,000 तनख्वाह है। तो उनको 70-80,000 मिल रहा है, आपको 10,000 से ऊपर देने में सरकार सोच कह रही है, काहे संकोच कर रही है सरकार? कुछ उसमें समझने वाली बात है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्या कारण है? कितने बच्चे हैं? अभी तो फिलहाल में एक बच्चे हैं। तो परिवार चलाने में दिक्कत होती है? हर महीने कर्जा लेके परिवार चलाना पड़ रहा है। अच्छा जी, 10,000 में क्या होगा? क्या होगा 10,000 में? आपसे बात होगी, आपका नाम? जी ब्रिजेश पटेल। पटेल जी, लगता है कि सुनवाई होगी, सरकार सुनेगी? नहीं देखिए, अब हमारे गवर्नमेंट जो है कि हमारे मुखिया, हम लोग उम्मीद तो बनाए रखते हैं लेकिन कैसे उम्मीद बनाएं, क्योंकि हम लोग आज 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तमाम सरकारें आई और तमाम सरकारें गईं, और हम लोग एक उम्मीद बनाए रहते हैं कि जो भी सरकार आएगी हमारा भला करेगी, लेकिन ये सरकार जो है कि ना जाने क्यों हमसे खफा है। सरकार खफा है? खफा है जी, कि कोई सुनवाई कर नहीं रही है। हम लोग अपनी पूरी प्रयास कर रहे हैं, चाहे चुनाव हो चाहे जो भी हो। आपका नाम भैया? संजय कुमार भारती। कब से पढ़ा रहे हैं संजय जी? 2002 से। अरे बाप रे, 22 साल हो गए? जी जी। कितना मिलता था पहले? पहले 2,250 मिलता था, अब 10,000। तो कैसे परिवार चलता है यार संजय जी? अब चलता है सर, क्या करें, जब सरकार से मांग की जा रही है, सरकार सुन नहीं रही है, तो अब जितना है उतने में ही आदमी को संतोष करना पड़ेगा। अच्छा इधर आ जाइए जरा पंडित जी, बताइए दुबे जी कि शिक्षकों को जब कहा गया कि आप लोग थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस लगाएंगे, डिजिटल अटेंडेंस लगाएंगे, वो विरोध करते हैं, कहते हैं हम उपचुनाव में बता देंगे सरकार को, वो दबाव डालते हैं, वो तो अब ओपीएस भी मांग रहे हैं, है ना, वो ओपीएस भी मांग रहे हैं, यूपीएस सरकार दे रही है लेकिन वो कह रहे हैं हमको ओपीएस चाहिए, और आप लोगों के मामले में 10,000 से ऊपर सरकार बढ़ ही नहीं रही है, तो आप लोगों में कोई कमी तो नहीं है? या तो पढ़ाते कम होंगे या संगठन कमज़ोर है, कोई तो बात होगी ना कि आप लोगों की सरकार बात सुनी नहीं रही है? अब उस विषय पर क्या बताया जाए, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को जो नरेटिव सेट किया है वो कहीं ना कहीं चीज़ें उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ें अधिकारियों ने डाली हैं, इनको देना जो ही नहीं है। जो कि आप उस पीड़ित संवर्ग से वार्ता करने के बाद ही जो वो चीज़ें रिमूव कर सकते हैं, और इसमें अब मुख्यमंत्री जी को पहल करनी चाहिए कि जो उसके पीड़ित चीज़ें हैं, जो उसके संवर्ग हैं, उनसे बात करें और चीज़ों को धरातल पर क्या चीज़ें उनको समझें। ठीक है, बस बहुत संक्षेप में सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार से हो रहा है कि हम लोगों को कम से कम जितना सामान जितना काम कार्य कर रहे हैं सहायक हुआ है वह भी उतना काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो हम लोगों को इस समय चाबी मिल जा रही है, सुबह गांव के हैं, सुबह स्कूल खोलना है और बंद कराना हम ही को। स्कूल खोलने से लेके बंद करने तक सारा काम आप ही करते हैं? जी जी। तब वो 10,000 मिलता है? जी जी। तो क्या मांग है सरकार से? क्या सरकार से हमारी मांग है कि अगर हम समान कार्य हैं तो हमको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। क्या कहना? यही हमारी भी है सर कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर भी आया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, तो हम यही सरकार से कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि सरकार हम लोगों को अगर बहुत कुछ नहीं देना चाहती, सारी सुविधाएँ जो है एक शिक्षक वो दे दे, लेकिन हम लोगों को वेतन अगर नहीं दे रही तो समान कार्य का समान मानदेय या वेतन दे दे, बस। क्या मांग है सरकार? सम्मानजनक वेतन देना चाहिए सरकार को। सम्मानजनक वेतन देना चाहिए, बहुत आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो काम आदमी कर रहा है
उस काम के एवज में जो पारितोषिक मिल रहा है, जो तनख्वाह मिल रही है, उसमें एक सम्मान तो होना ही चाहिए। 10,000 रुपये में क्या होता महाराज, हैं? सम्मान होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं सर? हमारी 9 तारीख जो हम लोग का कल आंदोलन हुआ है, इसमें 9 तारीख को हमारे संगठन आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन को बुलाया गया है वार्ता के लिए, जिसमें बेसिक शिक्षा सचिव साहब आए थे सुरेंद्र तिवारी जी, और हम उत्तर प्रदेश सरकार से 1,50,000 परिवारों की तरफ से बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा कर दें ताकि हम अपने नज़रों में जिंदा रहें, क्योंकि जो आज के भौतिकवादी युग में पैसा ही अर्थ ही सब कुछ है, और जब हमारे बच्चे और हमारे बच्चों की आवश्यकता, हमारे परिवार की आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तो हम अपनी निगाह में खुद गिर जाते हैं, और जो गिरा हुआ व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं जब काम करने जाएगा तो पूरे मनोयोग के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो दुबे जी, आखिरी कमेंट ये बताइए, क्या चाहते हैं? मतलब कि मानदेय ख़त्म और सैलरी सिस्टम, सैलरी स्ट्रक्चर में हमको मिलाया जाए। एक जैसा कि संजय जी ने कहा, एक सम्मानजनक व्यवस्था, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर अब सारे लोग हैं कि जीवन बहुत विभाग में बहुत कम शेष है, किसी की 10 साल सेवा बची है, किसी की 12 साल। इन 10-12 साल की जो जिंदगी इस विभाग में बची है वो सम्मानजनक तरीके से निकल जाए और एक सामाजिक व्यवस्था के तहत उसको एक बढ़िया व्यवस्था में वो निकल जाए। चलिए, तो शिक्षा मित्र बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि एक सम्मानजनक, चाहे उसको वेतन कह लीजिए, चाहे उसको मानदेय कह लीजिए, लेकिन वो सम्मान शिक्षक का बना रहे। 2002 से लेके 2010 तक लोग अलग अलग समय में आए, लेकिन 10-12 साल से लेके 22-24 साल तक का अनुभव है शिक्षा मित्रों का। 1,50,000 शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश में। ये कह रहे हैं कि सहायक शिक्षकों के लिए तो आप 60-70 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हैं, उनसे कम मेहनत हम नहीं करते हैं। हमारी भी सुनिए उनको, वो तो UPS पर भी खुश नहीं है, UPS सरकार दे रही है, वो OPS मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ आपसे सैलरी स्ट्रक्चर मांग रहे हैं, आपको हमारी सुननी चाहिए, चूँकि 1,50,000 परिवार का सवाल है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।